कह रहा मुझे तंग ना करो। अभी मैंने ये वीडियो बनाई है, इसने अजाब डाला हुआ था पीछे। वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा ये क्या क्या कर रहा था। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो इंटरेस्टिंग तो नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के सवाल आ रहे हैं ब्रीडिंग के हवाले से कि आजकल हमारी जो मुर्गी सबकी नहीं किसी किसी की, कुछ मुर्गियां ऐसी होती हैं जो एग ले करती हैं तो उनकी जो झोल होती है ना पीछे से बाहर आ जाती है। सब मुर्गियों की नहीं आती, किसी किसी की आती है, लेकिन अगर आपने ये असील रखे हुए हैं, अगर आपने ये मुर्गियां रखी हुई हैं तो ये आपको एक दिन ज़रूर फेस करनी पड़ती है चीज़। तो वीडियो पूरी देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा, चाहे आपको ये मसला दरपेश है चाहे नहीं है, क्योंकि ये मसला आपको दरपेश आना ही आना है अगर आपने असील रखे हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी मुर्गियाँ होती हैं जिनकी झोल पीछे से बाहर आ जाती है, उसका क्या इलाज होता है? गौर से सुनिएगा, आप बड़ा सिंपल और आसान इलाज मैं आपको बताऊंगा। इससे आगे आपको इलाज नहीं मिलेगा इसका। ये बड़ा हमारा मुजरब इलाज है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जिस मुर्गी की झोल बाहर आ जाती है, पहले उसकी वजह जान ले क्या होती है। गर्मियों के मौसम में खासतौर पर जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो इन जानवरों को प्यास लगती है। जो एग ले करने वाली मुर्गी होती है ना, जो अंडा देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, इनको आम मुर्गियों से ज़्यादा प्यास लगती है। जब उनको वो पानी मैसर नहीं आता ना तो इनके अंदर से झोल सूख जाती है। तो जब वो ये अंडा ले करती हैं, बजाय अंदर लुब्रिकेशन होने के, तो अंडा बड़ी मुश्किल से दे पाती हैं और इस सूरत में इनकी झोल भी बाज़ दफ़ा बाहर आ जाती है। तो एहतियात यही है कि इनको पानी इनका कम अज़ कम ख़त्म ना होने दिया करें, पानी आपने लाजमी देना। दूसरी एहतियात होती है इनके इलाज के बाद। पहले इलाज सुन लें, फिर मैं आपको इसकी एहतियात बताऊंगा कि दोबारा ना हो तो आपने क्या करना है। सरसों का आपने ऑयल ले लेना, अपने हाथ के ऊपर लगा लेना और मुर्गी की मुतासरा जगह पर अच्छी तरह ऑयल लगा के हाथ से आपने वो जगह अंदर कर देनी है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने किसी भी बॉल में टब में पानी ले लेना है, इतना टब के मुर्गी आराम से बैठ सके। उसमें आपने जो फटकड़ी होती है ना, फटकड़ी पंसारी की दुकान से आपको फटकड़ी मिल जाएगी, उसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने मुर्गी को 2-3 मिनट उसके अंदर बिठाना है। उससे क्या होगा, उसका जो मांस, जो उसकी नसें ढीली हुई होंगी ना, अकड़ के अपनी जगह पे आ जाएंगी। अब यह होता है इस तरह है कि इस तरह की जो मुर्गी होती है ना, 3-4 दिन बाद क्या होता है, वो दोबारा उसकी झोल बाहर आने का खदशा होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जितने दिन आपने ये इलाज करना, तकरीबन आपने इसको पानी में रोज़ाना बिठाना, तेल ऑयल लगा के हाथ से उसकी वो जगह अंदर करके, इंशाल्लाह फिर वो बाहर नहीं आएगी। आपने पानी के अंदर बैठाना है हर 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 रोज़, यानी कम से कम 5 से 6 दिन आपने मुर्गी को हर रोज़ 2 से 3 मिनट के लिए उस फटकड़ी वाले पानी में बिठाना है। और कोशिश करनी है कि आपने जो जिस पानी में मुर्गी को बिठाना ना, वो नया बनाना है रोज़ाना। अब होता ये है कि 10-15 दिन गुजरते हैं, दोबारा झोल बाहर आ जाती है। तो झोल बाहर ना आए उसके लिए आपने क्या करना है, मलाई नहीं होती, मलाई अपनी मुर्गी को खिलानी है, यानी चिकनी चीज़ आपने अपनी मुर्गी को खिलानी है। जितनी देर आप ये इलाज जारी रखेंगे, यानी 4 से 5 दिन, तो ये टोटल 5 दिन 6 दिन का आप अगर ये अमल कर लेंगे, इलाज कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये जो मैंने आपको टोटका बताया ये अच्छा लगा होगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। तो अगर आपको हमारी किसी भी बात से फ़ायदा हो तो दुआओं में हमें याद रखिएगा, और फेसबुक के ऊपर जो हमारा पेज है असील और फैसल भट्ट के नाम से, उसको फॉलो भी कर लीजिएगा, और उस पर जो हम वीडियो डालते हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, यही हमारी सपोर्ट है। ठीक है, तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।